ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से मशहूर ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। इसकी एकमात्र यही वजह है कि यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। लेकिन आपको बेहद हैरानी होगी कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। पर आखिर क्यों? चलिए बताते हैं इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी को। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको चीन की इस महान दीवार के बारे में पता ना हो। आप कह सकते हैं कि चीन की पहचान इस दीवार के कारण ही है। कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इसे बनाने की शुरुआत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुई थी, जो 16वीं शताब्दी तक चली। इसका निर्माण एक नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय पर करवाया है। कहते हैं कि इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घोड़े या 10 पैदल सैनिक चल सकते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। क्यों कहा जाता है इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान? माना जाता है कि इस विशाल दीवार के निर्माण कार्य में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिनमें से करीब 10 लाख लोगों ने इसे बनाने में ही अपनी जान गंवा दी थी। कहते हैं कि उन लोगों को फिर दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था, जिस कारण चीन की इस महान और विशाल दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में इस दीवार को वान ली चैंग चेंग के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दीवार का निर्माण दुश्मनों से चीन की रक्षा करने के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था। 1211 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खान ने एक जगह से दीवार को तोड़ दिया था और उसे पार कर चीन पर हमला कर दिया था। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।